गुड मॉर्निंग डियर व्यूज ऑफ द चैनल एजुकेट चैनल और आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत। मोस्ट अवेटेड जो हमारे एडमिशन प्रोसेस है, जो कि हमारे चंडीगढ़ के जितने भी कॉलेजेस हैं और उनकी जो एडमिशन जो प्रोसेस है वो देख रहे हैं कि लेट होता जा रहा है। और लेट होने की जो मेन वजह थी वो NPE के तहत थी, और NPE जो है हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी में लागू कर दी गई है। और पहले ये बात चल रही थी कि भाई कॉलेजेस में ये लागू करनी है कि नहीं करनी, तो ये डिसीजन हुआ कि भाई इसको जो लागू अगले साल किया जाएगा, अगले साल पे भी ये मोहर लगाएगी। इस कारण से हमारे जो एडमिशन्स हैं वो डिले हो गई। और जैसे कि कल हमने देखा कि आपको मैंने रात को वीडियो बनाकर बताई कि गोस्वामी गणेश दस सनातन धर्म कॉलेज चंडीगढ़ सेक्टर 32 के एडमिशन के जो फॉर्म्स हैं वो निकल चुके हैं। और अभी हम सीधा वेबसाइट पे जा रहे हैं, जो कि हमारी GGDSD.ac.in हमारी साइट है। और इसमें जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास यूनिवर्सिटी का प्रोफेस ये सारा आ जाता है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो हमारे नए यहाँ पर अपडेट्स हैं, वहाँ पर एडमिशन 2023-24 एडमिशन शेड्यूल 2023-24 का पूरा कंप्लीट आ गया। तो सबसे पहले तो एडमिशन का हम ये फोल्डर पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास दो पार्ट्स दिख रहे हैं, न्यू एप्लीकेंट BA बैचलर वोकेशनल DMLT, जो कि हमारा एडमिशन शेड्यूल नॉन सेंट्रलाइज एडमिशन का डाल दिया है हमारे कॉलेज SD कॉलेज ने। और एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स थर्ड सेमेस्टर एंड फिफ्थ सेमेस्टर वो यहाँ से अपना फॉर्म्स भरेंगे। एग्जिस्टिंग स्टूडेंट होस्टल ई फॉर्म गर्ल्स एंड बॉयज़ कॉलेज प्रोस्पेक्टस भी हमारा आ चुका है 23-24 का, स्टूडेंट हैंडबुक भी आ चुकी है और हॉस्टल का भी प्रोस्पेक्टस आ गया, जॉइंट प्रोस्पेक्टस भी यहाँ पर डाल दिया गया है। और एडमिशन शेड्यूल यहाँ पर डाल दिया गया है, रजिस्ट्रेशन फॉर सीकिंग एडमिशन इन द फर्स्ट ईयर UG क्लिक हेयर। और ये हमारा सेंट्रलाइज एडमिशन जो कि हमारे DHE कराएगा, और फर्स्ट ईयर का जो हमारा एडमिशन है BCOM BBA BCA BSc मेडिकल एंड नॉन मेडिकल, ये सेंट्रलाइज कोर्स है, BSc ऑनर्स बायोइन्फॉर्मेटिक, BSc ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी, जो कि हमारी DHE की साइट से एडमिशन होना है। और बाकी आप देख रहे हैं जो बाकी जो नॉन हमारे एडमिशन कोर्सेज हैं तो उनका जो सेशन है हमारे पास वो आपके सामने दिया हुआ है। और एडमिशन शेड्यूल की अगर हम बात करें तो एडमिशन शेड्यूल अभी आपके पास है, ऑनलाइन एडमिशन शेड्यूल सेंट्रलाइज एंड नॉन सेंट्रलाइज 2023-24 नॉन सेंट्रलाइज का इन्होंने डाल दिया है यहाँ पर प्रोसेस। और एडमिशन प्रोसेस जो है हमारा शेड्यूल सेंट्रलाइज का यहाँ से देखना है और नॉन सेंट्रलाइज कोर्सेज का यहाँ देखना है। एडमिशन शेड्यूल फॉर PG कोर्सेज के लिए आप यहाँ पर करेंगे। जब सेंट्रलाइज कोर्स पे हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पास सेंट्रलाइज कोर्स की जो एडमिशन शेड्यूल्स हैं उसका इन्होंने कोर्सेज के बारे में बताया है, क्योंकि अभी DHE की एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई है। इसके अंतर्गत जो जो कोर्सेज हमारे पास आ रहे हैं वो है BBA BCA BCOM BSc मेडिकल नॉन मेडिकल, नॉन मेडिकल में हमारे पास बायोकेमिस्ट्री, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स। और BSc मेडिकल में रहने वाले कोर्सेज हैं मेडिकल, बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक, बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, और इसके अलावा BSc बायोटेक्नोलॉजी ऑनर्स, BSc इंफॉर्मेटिक ऑनर्स, BSc माइक्रोबायल एंड फूड टेक्नोलॉजी। और इसका जो हमारा प्रोसेस है वो आप देख पा रहे हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स आ गई है, स्टार्ट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म्स 9 जून से स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बाद जो लास्ट डेट है हमारी सबमिशन का वो 22 जून है, और डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट दैट इज़ 23 जून को आपकी पहली लिस्ट आ जाएगी, और रिपोर्टिंग एंड डिस्क्रिपेंसी बाय एप्लीकेंट ये हमारी 25 जून को होगी, और डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल लिस्ट ऑफ ऑल एलिजिबल कैंडिडेट 29 जून, डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन हु हैव अलॉटेड द कॉलेज दैट इज़ 2 जुलाई, और ये फर्स्ट ऑनलाइन शेड्यूल का हमारे पास प्रोसेस बताया गया है। UT पूल का 5 जुलाई को और जनरल पूल आउटसाइड वो 5 जुलाई को 10 बजे के ऑनवर्ड जो हमारी क्रॉस चेकिंग होती है
जो आपके ऑनलाइन चेकिंग होगी, और उसके बाद हमारे पास है 6 जुलाई को रिजर्व कैटेगरी ओवर एंड अबव सीट एडिशनल यूटी पूल एंड जनरल पूल 10 ऑनवर्ड। और इसके बाद हमारे पास जो सेकंड काउंसलिंग की डेट है वो हमारी 11 जुलाई को रखी गई है यूटी पूल की और जनरल पूल की एक साथ, और उसके बाद 12 जुलाई को रिजर्व कैटेगरी एंड अबव ओवर एंड अबव सीट्स एडिशनल 12 जुलाई को, और उसके बाद हमारी जो है फाइनली जो लेफ्ट ओवर सीट्स है वो 15 जुलाई के को आ जाएगी एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से। और इसमें आपके ये कोर्सेज दिए हुए हैं और ऑल द एडमिशन विल बी डन ऑनलाइन, नो फिजिकल काउंसलिंग विल बी देयर, ये एज इट क्लियर कर दिया गई है। तो ये हमारी नॉन सेंट्रलाइज एडमिशन है। अब हम जो कॉलेज के प्रोस्पेक्टस के हिसाब से होगी, नॉन सेंट्रलाइज कोर्सेज हैं जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स, इसका भी शेड्यूल सेम ही रखा हुआ है, बैचलर ऑफ वोकेशनल ऑल कोर्सेज और DMLT डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन सॉरी स्टार्ट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 9 जून को होगी, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन 22 जून को होगी, लिस्ट ऑफ डिस्प्ले सभी की लग जाएगी 23 जून को, और रिपोर्टिंग एंड डिस्पेंसी ऑफ एनी एप्लीकेंट रिस्पेक्टिव कॉलेजेस 25 जून को, और डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल लिस्ट ऑफ ऑल एलिजिबल कैंडिडेट 29, और एडमिशन बिगन्स ऑन 5th ऑफ जुलाई, और इसके बाद आपकी जैसे भी है रिपोर्टिंग होगी, और उसके बाद जैसा जैसा शेड्यूल आएगा तो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड आफ्टर द ड्यू डेट और इनकम्प्लीट इन रिस्पेक्ट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ऑल एडमिशन विल बी डन ऑनलाइन, देर विल बी नो फिजिकल काउंसलिंग। तो कोई भी फिजिकल काउंसलिंग नहीं है, तो कॉलेज में जाकर आपने एडमिशन्स नहीं कराना है। और इसी तरीके से हमारे PG कोर्सेज की भी मैं आपको बता देता हूँ, PG कोर्सेज के लिए भी जो हमारी डेट है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 10 जुलाई है, और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म्स स्टार्ट होगा 10 जुलाई से, और लास्ट है हमारी जो भी, क्योंकि अभी उनके BSc के पेपर हो रहे हैं, ग्रेजुएशन लेवल के पेपर हो रहे हैं, और डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट 26 जुलाई को है, और रिपोर्टिंग एंड डिस्पेंसी 28 को, और फाइनल डिस्प्ले जो हमारी होगी 5 अगस्त को होगी, और एडमिशन स्टार्ट्स ऑन 7th ऑफ अगस्त मंडे। तो ये पूरी की पूरी डिटेल्स आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिली। होप इस वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखा होगा, और वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि एडमिशन का जो प्रोसेस है वो हम कॉलेज वाइज आप तक पहुँचा सकें, और इसी तरीके से हम आपको पूरी अपडेट देते रहेंगे। हमारे एडमिशन प्रोसेस का जो स्टार्टिंग है पता ही लग गया, 9 जून से आपके एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई चैनल, दैट इज़ एजुकेट चैनल।